हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज मेरे एक स्टूडेंट ने अजीब सा प्रश्न किया कि सर, हिंदी की राइटिंग लिखने के कितने तरीके हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा, परंतु अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका उत्तर आप खुद पता लगा चुके होंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम कुछ शब्दों को अलग अलग ढंग से लिख कर देखेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द लिखते हैं, लकड़ी। इस शब्द को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि इसको पढ़ने के बजाय देखने से ही पता लग जाए कि ये है क्या। और इस तरह की तकनीक आमतौर पर जो पोस्टर्स वगैरह हम बनाते हैं या जो ग्रीटिंग कार्ड हम बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अलग अलग तरीके बता रहा हूँ जिसके द्वारा हम शब्दों को लिख सकते हैं, इसलिए मैं शब्दों की ज्यादा फिनिशिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आप इस पर ज्यादा गौर ना करें। चलिए एक शब्द और लिख लेते हैं। इस शब्द को लिखने के लिए मैं तारों का प्रयोग करूंगा। हमारा जो दूसरा शब्द है वो है कंटीले। इसको भी हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि पढ़ने वाले को पढ़ने के बजाय सिर्फ देखने से पता लग सके कि ये क्या है। आप देख सकते हैं कि हमने जो शब्द लिखा है उसके अंदर जो लाइनें हैं वो इस प्रकार से हैं कि वो लगे कि वो तार हैं, वो कंटीले तार हैं, और इन कंटीले तारों वाली लाइनों से ही हमने कंटीले शब्द लिखा। चलो एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं, एक शब्द और नया लिखते हैं। अब हम जो शब्द लिखेंगे वो लिखेंगे मकान। आपको पता है कि मकान ईंटों का बना होता है, तो हम कुछ इसी प्रकार से लिख के देखते हैं। मकान के अंदर जो आपने ईंटें बनानी है इसके लिए स्केल का प्रयोग करोगे आप, क्योंकि स्केल से आपकी लाइनें बिल्कुल सीधी होगी और अच्छे से लगेंगी। आप इस तरह से काम नहीं करेंगे जैसे मैंने किया है। मैंने क्योंकि सिर्फ टेक्निक समझाना चाहता हूँ आपको, इसलिए इसकी ज्यादा फिनिशिंग पर मैं गौर नहीं करता। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम कोई भी राइटिंग बिल्कुल उसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसा वो शब्द है। उस शब्द के अनुसार ही अगर हम उस लिखाई को रूप देते हैं तो जो भी आप लिखते हो वो एक नया तरीका हो जाता है उस लिखाई को लिखने का। जैसे यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा है कैक्टस, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने पिछली एक दो लिखाई लिखी है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपनी राइटिंग को चार चांद लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ग्रीटिंग कार्ड बनाना है दिवाली का, और इस दिवाली के अंदर, दिवाली शब्द के अंदर आई को आप एक मोमबत्ती का रूप दे देते हैं तो वो आपकी बहुत ही सुंदर राइटिंग हो जाएगी। मान लेते हैं हमने कोई पोस्टर बनाना है जिसके अंदर ब्लड डोनेट लिखना है। अब उसमें ब्लड के डबल ओ की जगह अगर हम दो ब्लड की बूंदे बना दें तो वो पोस्टर हमारा और अच्छा हो जाएगा। रेड कलर हम इनके अंदर कर देंगे। अगर हमने आई डोनेट से संबंधित कोई पोस्टर बनाना है और आई की स्पेलिंग होती है ई वाई ई, अगर हम दोनों ई को आंख का ही रूप दे दें तो इस प्रकार का पोस्टर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है कि जो पोस्टर की थीम है उसके अंदर हमने जो राइटिंग लिखी है वो पोस्टर के साथ ही मैच करती है। एक शब्द होता है जन, इसको भी लिख लेते हैं। आपको बस इतना करना है कि पेंसिल उठानी है और नए ढंग से अक्षरों को मोड़ना है। बस इतना करोगे तो आपकी एक नई तकनीक बन जाएगी। अब हमारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि हिंदी की राइटिंग लिखने के तरीके हैं कितने। मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपको मिल चुका होगा। अगर नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी की राइटिंग लिखने के अनलिमिटेड तरीके हैं, यानी कि जितने चाहो आप उतने तरीके, नए नए तरीके इजाद कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इनमें से कितने आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी टेक्निक आपको आती हैं। बस आपको इतना करना है कि बेझिझक होकर लिखना शुरू कीजिए और हर शब्द को एक नए तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।